Walking 6x7 of his usual speed, Dada reaches office 12 minutes late, the usual time taken by him to reach office is. कैसा लग रहा है क्वेश्चन? ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्राई करो, पहले स्टार्ट करके देखो एक बार बनता है क्या। हो रहा है? चलो देखते हैं। स्पीड वॉकिंग 6x7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड दादा रीचेस ऑफिस 12 मिनट्स लेट। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम क्या था यह पता करना है हमें। तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है, ना स्पीड दिया है, ना टाइम दिया है, ना डिस्टेंस दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। फिर भी बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, फॉर्मूला भी वहीं लगेगा, कुछ नया नहीं करना है। हमें पता है कि टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, यही मान लेते हैं उसको। नॉर्मली उस दादा को टी टाइम लगता था, डिस्टेंस उसका डी होता था, स्पीड उसका एस होता था। अब जिस दिन की यह बात कर रहा है उस दिन उसकी स्पीड 6/7 हो गई है, डिस्टेंस तो वहीं रहेगा, ऑफिस उतनी ही दूर है, ऑफिस तो नज़दीक नहीं आ गया है। 6/7 स्पीड हो गई है इसकी, ये कितना हो गया 7/6 डी बटा एस, और डी बटा एस कितना था, टी था, तो 7/6 टी हो गया। इस दिन टी से कुछ ज्यादा समय लगा, स्पीड कम हो गया है तो कुछ ज्यादा समय लगा, 7/6 टी लगा। कितना ज्यादा समय लगा है, 12 मिनट, रोज से 12 मिनट ज्यादा ही लगा है उसे। तब हमें क्या पता चल गया है, टी 7/60 माइनस टी बराबर 12 मिनट, 1/60 बराबर 12 मिनट, टी इजकल टू 12 मिनट इंटू 6 72 मिनट, 1 आवर 12 मिनट, ऑप्शन बी। आसान था, जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखने में लग रहा था उतनी आसानी से आंसर आ गया।